गर्मियाँ भी चालू है और आम का भी सीजन है, तो आज हम लोग बनाएंगे मैंगो कुल्फी, उसके साथ बनाएंगे राजभोग मैंगो कुल्फी और साथ में चॉकलेट राजभोग कुल्फी, जो बहुत ही टेस्टी बनेगी और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। मामा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सॉस पैन में मिल्क ले लेंगे, हाफ लीटर लिया है, उसे अच्छे से बॉईल कर देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे शक्कर, 4 चम्मच के करीब शक्कर डाली है मैंने इसमें, आधा कप, और साथ में डालेंगे आधा कप इसमें मिल्क पाउडर, 4 से 5 चम्मच है मिल्क पाउडर ये। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जैसे मिल्क पाउडर के लम्स ना हो, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे जैसे कुछ भी लम्स ना हो, और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे जिससे अच्छे से ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। मिल्क पाउडर और शक्कर जो है गर्म में ही डालना है, इसके बाद इसे अच्छे से ठंडा करना है। तब तक हम लोग ले लेंगे आपूस आम, 2 आपूस आम लिए हैं, उसका पल्प निकाल के उसे हम लोग मिक्सी जार में ले लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। यह हमारा मैंगो पल्प रेडी हो चुका है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग कुल्फ़ी बनाने के लिए। दूध अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो इसमें हम लोग डालेंगे मैंगो पल्प। मैंगो पल्प डाल दिया, अभी इसके बाद हम लोग डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह स्पून से नहीं होगा तो विस्कर का इस्तेमाल करेंगे जिससे ये इवनली मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे बिल्कुल स्मूथ बने, ये बिल्कुल भी लम्स ना हो पल्प के। इसके बाद इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क, 4 चम्मच के करीब। मैंगो कुल्फी है तो इसमें छोटे छोटे मैंगो के पीसेस भी डालेंगे, पल्प हमने डाला था इसमें, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक चीज इसमें डाल रही हूं मैं, और इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंगो क्रश का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप अगर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे टेस्ट काफ़ी बढ़िया आएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे कुल्फ़ी मोल्ड में भर देंगे हम लोग। आप चाहें तो ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कटोरी हो तो कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मोल्ड है तो आधा मैं मोल्ड में डाल रही हूँ और आधा ग्लासेस में डाल रही हूँ। पूरी ये कुल्फ़ी बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 आम लगे कि इस तरह से मोल्ड में मैंने भर दिया है, अभी भरेंगे ग्लासेस में और इसे हमें फ्रीज करना है, ओवरनाइट फ्रीज करें या कम से कम 8 घंटे, जैसे कुल्फ़ी अच्छे से जम जाए। तो इसे फ्रीज़र में रखेंगे हम लोग, कुल्फ़ी में कैप्स लगा देंगे। आप चाहें तो ग्लास में भी स्टिक डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड को रख देंगे फ्रीज़र में और ग्लासेस में थोड़ा सा उसे और डेकोरेशन करेंगे हम लोग, तो इसमें डालेंगे थोड़े से काजू बादाम, और इसे भी फ्रीज करने के लिए रखेंगे। मैंने ओवरनाइट फ्रीज करने के लिए रखा है, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, उसे बारीक चॉप कर लिया है, और एक बाउल में मैंने यहाँ पे 130 ग्राम्स व्हाइट चॉकलेट लिया है, इसे
माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव करेंगे, जैसे ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप चाहे तो डबल बॉयलर का भी इस्तेमाल करके इसे मेल्ट कर सकते हैं। मिक्स ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। देखिए बिल्कुल स्मूथ और फ्लोइंग बनाना है चॉकलेट को। अभी एक बर्तन में पानी ले लेंगे और उसमें डालेंगे कुल्फ़ी मोल्ड। कुल्फ़ी को हमें डीमोल्ड करना है तो इस तरीके से इजीली ये डीमोल्ड हो जाती है। अभी राजभोग कुल्फ़ी बनानी, ये मैंगो कुल्फ़ी बन गई, इसमें से बनानी है हमें राजभोग कुल्फ़ी। तो पहले इसे वाइट चॉकलेट में डिप करेंगे, इसके बाद इसे करेंगे ड्राई फ्रूट से कवर। इस तरह से कुल्फ़ी को रोल कर देंगे ड्राई फ्रूट के ऊपर। यह हमारी राजभोग कुल्फ़ी तैयार हो गई है। और चॉकलेट राजभोग कुल्फ़ी बनाने के लिए हम लोग इसे डिप करेंगे डार्क चॉकलेट में। डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है मैंने, उसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव करेंगे। सेम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बना के उसमें कुल्फ़ी को डिप करना है और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट रोल करना है। यह हमारी चॉकलेट ड्राई फ्रूट कुल्फ़ी तैयार हो गई है मैंगो फ्लेवर। इनको 10 मिनट हम लोग फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी है मैंगो कुल्फ़ी, राजभोग मैंगो कुल्फ़ी और चॉकलेट मैंगो कुल्फ़ी। एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है, सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।